सो फाइनली गाइज अभी हमने डन किया कि ये वाला हाफ वाले व्हील कवर डाल रहे हैं, क्योंकि कभी निकालना पड़ जाए कुछ भी हो जाए मतलब, तो ये हमें खुद से निकाल सकते हैं। तो दूसरे वाला भाई वो उसका बोला झंझटा साथ में, यार एरोडायनामिक्स बाइक के बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो हाफ वाले ही लगाने पड़ेंगे। तो ये वाले इसको कराते हैं सेट और थोड़े बहुत वीडियो बना लेते हैं तुम लोगों के लिए, साथ में सिनेमैटिक्स डाल दूँगा, सिनेमैटिक्स इन्जॉय करो। और वॉच करानी है भाई, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। सो फाइनली गाइज अपना बीस्ट एकदम धुल चुका है और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई कैसा लग रहा है। ये चेक करो भाई, कुछ इस तरह का लग रहा है अपना बीस्ट। सो फाइनली गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ कुछ इस तरह की जगह पे, मतलब अपनी बाइक लेके हम यहाँ पे आ गए। इसको वॉश भी करवाना था लेकिन भाई अब कौन ही वॉश करवाएगा, तो सबसे पहले चलते हैं भाई। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवानी थी, जैसे फॉग लैंप हो गया, थोड़ा बहुत सामान और भी था वो लगवाना, तो सबसे पहले चलते हैं भाई। अपने साथ आज रफ़ी भी आ रखा है तो राइड भी करेगा, इसलिए मैं अपना मोटर ब्लॉग सेटअप तो लगाने नहीं वाला क्योंकि यार मन भी नहीं है मोटर ब्लॉग करने का भाई। एक तो ये लोग बीच में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो सीधा आपको शॉप पे मिलेंगे। अगर मॉडिफिकेशन की दुकान खुली हुई वहीं पे थोड़ा बहुत सामान डलवाएंगे, इसमें देखते हैं क्या कुछ सीन आने वाला है। तो निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं मिलते हैं आपको सीधा अपने मतलब शॉप पे। सो फाइनली गाइस अभी हम मॉडिफिकेशन की शॉप पे पहुँच चुके हैं। अच्छा हुआ कि भाई शॉप खुली थी, ये बहुत ज़्यादा बंद रहती है। बाकी जो अपने पास व्हील कवर है एक है ये फुल वाला कुछ इस तरह का भाई, ये हार्ड भी बहुत ज़्यादा है लेकिन एक और है जो हार्ड नहीं रहता है। तो अगर ये वाला लगवाऊंगा ना तो भाई सबसे पहले मुझे पूरा टायर वायर निकलवाना पड़ेगा, स्प्रॉकेट अलग करवाना पड़ेगा, उसके बाद आ गया ये डिस्प्ले ABS सब कुछ रिमूव करके उसके बाद पड़ेगा। और कुछ सिंपल वाला आता है मतलब जो हाफ वाला है वो ऐसे ही लग जाता है, सिर्फ नट बोल्ट डलते हैं इसमें तो वैसे ही लग जाता है। देखते भाई किस तरह का लगता है, पहले अगर अच्छा लगा तो ये डलवाते नहीं तो फुल वाले डलवाते। सो गाइस हमने अभी एक पीछे वाला इंस्टॉल किया, मतलब एम ए लगा के रखा है, देखते हैं भाई या फिर ये रखेंगे या दूसरा रखेंगे कोई पता नहीं है अभी। इसका ये चीज़ है ये मतलब लगाने पे भी आसान है, उतारने पे भी अगर उतारना चाहते हो तो हम लोग हाथ से उतार के रख सकते हो, लेकिन अगर उसको उतारना है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है तो इसका ये पूरा सेट लगवाते हैं फिर देखते हैं भाई क्या कुछ सीन आने वाला, कैसी लगती है पूरी बाइक। तो क्या बोलता आगे पीछे दोनों में डलवाना चाहिए फुल भाई, हाफ वाला ऐसा लगेगा और फुल मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कुछ इस तरह का NS200 का। ठीक है इस तरह का ये NS200 का फुल पूरा मतलब पूरा व्हील खोल के सब कुछ उतार के रिमूव करके उसके बाद ये फंसेगा। ठीक है तो अगर यार लाइन मीट वगैरह ख़राब होगी तो भी सीन हो जाएगा। सो फाइनली गाइस अभी हमने डन किया कि ये वाला हाफ वाले व्हील कवर डाल रहे हैं, क्योंकि कभी निकालना पड़ जाए कुछ भी हो जाए मतलब, तो ये हमें खुद से निकाल सकते हैं। तो दूसरे वाला भाई वो उसका बोला झंझटा साथ में, यार एरोडायनामिक्स बाइक के बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो हाफ वाले ही लगाने पड़ेंगे। तो ये वाले इसको कराते हैं सेट और थोड़े बहुत वीडियो बना लेते हैं तुम लोगों के लिए, साथ में सिनेमैटिक्स डाल दूँगा, सिनेमैटिक्स इन्जॉय करो। और वॉश करानी है भाई, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, इसको भी वॉश करवा लेंगे। तो लगाते हैं इसके नेट, उसके बाद मिलते हैं आपको। सो भाई जहाँ पे लगा रहे हैं व्हील कवर के नेट सर, भाई हाथों का हाल देख रहे हो कितना बुरा रखा है, थोड़ी और पहचान ध्यान ध्यान दे, बस 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 पकड़ना भैया नेट, पकड़ना नेट को हाथ रखना। सो गाइस अपने बाइक की फाइनल लुक आ रही है कुछ इस तरह की, मतलब व्हील कवर डाल के हमने हाफ वाला डाला, यार पता नहीं अब कैसा लग रहा होगा, चेक करो भाई कमेंट करके बताना कि अपना ये वाला व्हील कवर किस टाइप का लग रहा है। और हाँ एक चीज़ और, जो नेट है मैंने ब्लैक नहीं था डलवाया, वाइट डलवाया, इसमें स्प्रे मार के ब्लैक करने के कोई चक्कर नहीं। और हाँ फुल वाले डालने का ये डिसएडवांटेज है कि वो एरोडायनामिक्स से ख़राब हो जाते हैं, एक उसके बाद एरोडायनामिक्स के बाद कोई चीज़ भी हो जाती है ख़राब, क्या माइलेज वगैरह में फ़र्क पड़ता है, जब लीन करते हो ना तब एयर पास इसमें हवा पास नहीं होगी तो तंग करेगा बहुत ज़्यादा, गिरने का स्किट होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए मैंने हाफ वाले डलवाए। मैंने 2-3 बंदों से पूछा कि भाई डलवाने चाहिए या नहीं डलवाने चाहिए, तो उन्होंने मुझे सजेशन दी कि हाफ ही डलवाओ फुल मत डलवाओ। तो लेट्स सी भाई ये भी उतरवा देते हैं। सो गाइस ये तो लगानी कंप्लीट, मतलब जो थोड़ी बहुत ढीले वगैरह नेट वगैरह लगाने थे वो लगा दिए, अब इनको कर रहे हैं फुल टाइट, टाई लगा देंगे इसके साथ। टाई आप ये वाली लगाना मत बोलना, ये वाली टाई लगानी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली? ये अगर तुम लगाओगे ना जब तक टूटेगी नहीं तब तक वो निकलेगा नहीं। ठीक है तो अपना भाई मोटर ब्लॉगिंग सेटअप तुम लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का, इसके फाइजर मैंने ऑर्डर किए थे लेकिन अभी तक आए नहीं है। और देखते हैं हगर का भाई अभी मैं बोल रहा था उतारने के लिए, लेकिन रफ़ी बोल रहा है कि भाई बहुत जितना भी घर है ना कीचड़ वगैरह सब ऊपर फेंकेगी, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी, यह भी बाइक अपनी ब्लैक है। तो लेट्स सी क्या रहने वाला है, वो वाला नहीं उतारूंगा अभी मैं क्योंकि यार वापस बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी और जो बंदा पीछे बैठेगा ना उसका जो हाल होने वाला है बहुत बुरा। और एक तो गंदी हो रखी है, इसको पहले साफ़ करवाना है, तो सबसे पहले चलते हैं भाई ये डलवा लेते हैं, उसके बाद इसको वॉश करवाते हैं और थोड़ा बहुत काम हो रहा है वो डलवा लेते हैं। हाँ यहाँ पे लाइटें डलवानी थी, ये वाली वाइट है, यहाँ पे इसमें रेड डलवा लेते हैं। तो देखते लेट्स सी और क्या क्या कराना है, पूछता हूँ जो जो मेरे को नया मिल रहा है वो तुम लोगों को भी दिखाता हूँ। सो गाइस अपनी बाइक यहाँ पे वॉशिंग स्टेशन पे आ चुकी है, बाकी देख रहे हो तुम लोग भाई बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, हद से ज़्यादा। और व्हील कवर कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, मैंने हाफ ही डाला है और रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया है कि रीज़न क्या इसको हाफ वाला डालने का, देख सकते हो कैसी लग रही है। बाकी इसको धुलवाते हैं यार, पानी शानी मरवाते हैं, पानी क्या पूरी फुल वाश ही करवाऊंगा, फुल वाश करवाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको इसके साथ इसकी लुक के साथ कि कैसा दिखता है। सो गाइस अपनी बाइक यहाँ पे वॉश होना स्टार्ट हो गया भाई, ये देख सकते हो वाइट कलर की किस तरह की लग रही है,
और सामने से चेक करो भाई अपना व्हील कवर, अब ये चमकेगी ना जब उसके बाद पता चलेगा भाई इसकी फाइनल लुक क्या आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा रखा था व्हील कवर भी अच्छा नहीं था लग रहा। तो अब देखते हैं भाई इसको फुल वॉश करवाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको। तो अभी साबुन मेरा लगा रखा है थोड़ा, क्या ही अच्छी रहेगी तो करवाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको। सो फाइनली गाइस अपना बीस्ट एकदम धुल चुका है और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई कैसा लग रहा है। ये चेक करो भाई कुछ इस तरह का लग रहा है अपना बीस्ट। व्हील कवर चेक मारो भाई, हाफ वाला भी क्या सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा। तो गाइस इसको हम पहले थोड़े बहुत यहाँ पे सिनेमैटिक्स ले लेते हैं, आपको सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ उसके बाद में। तो गाइस होप करता हूँ आपको सिनेमैटिक्स अच्छे लगे होंगे, सिनेमैटिक्स अच्छे लगे तो लाइक कर देना, बाकी कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और आज के ब्लॉग को हम यही एंड करेंगे, मिलते हैं कि नए मस्त ब्लॉग में कुछ इस तरह के बीच के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।